हेलो दोस्तों, आज राज्य आरोग्य हमीर सोसाइटी मुंबई रिक्रूटमेंट 2021 की डेट निकली है। ठीक है, तो इसमें आपसे बहुत से जनों के डाउट है कि कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, एप्लीकेशन फ़ीस क्या है, लास्ट डेट क्या है सबमिशन की। ठीक है, तो आज मैं आपके पूरे डाउट क्लियर कर देता हूँ और सबको आराम से बताता हूँ। ठीक है, चलो देखते हैं आगे। तो जो नोटिफिकेशन है वो तो आउट हो गया है। ठीक है, अभी जगह कितनी है? तो मुंबई मुंबई की रिक्रूटमेंट है। ठीक है, जगह है 5। वो अप्लाई मोड ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है, जैसे आपकी मर्ज़ी। आप ऑनलाइन भरना चाहिए तो ऑनलाइन भरो, ऑफलाइन भरना चाहिए तो ऑफलाइन भरो। वो कैन अप्लाई, मेल एंड फीमेल बोथ कैन अप्लाई, दोनों भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जॉब लोकेशन एंड एग्जाम सेंटर मुंबई है। क्या है दोस्तों? मुंबई है। ठीक है, जॉब लोकेशन एंड एग्जाम सेंटर दोनों मुंबई है। सैलरी एज पर गवर्नमेंट रूल है, कोई बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सबसे मैंने एज लिमिट है 18 से 65 ईयर्स ओल्ड तक। ठीक है, कहाँ से? 18 से लेके 65 ईयर्स ओल्ड तक। लेकिन 18 18 या 20 ईयर्स वाला लड़का इसको भर ही नहीं सकता, क्योंकि इस पे इसमें एक्सपीरियंस मांगा है। ठीक है, चल, एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल है। अप्लीकेशन फॉर्म फ़ी कितनी है? अप्लीकेशन फॉर्म फ़ी टोटल फ्री है सभी कास्ट के लिए, सभी के लिए। ठीक है, टोटल फ्री है अप्लीकेशन फ़ी। आगे बढ़ते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है MBBS, 20 ईयर्स एक्सपीरियंस। क्या मैंने पहले ही बोला था एज लिमिट के वक्त कि इसमें एक्सपीरियंस मांगा है। 18 ईयर्स वाला भी फॉर्म भर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर उसको एक्सपीरियंस मांगा तो उसका टाइम वेस्ट हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। इसलिए उसने नहीं भरना, वही अच्छा रहेगा। तो उसमें जो है दो पोस्ट है, एक मेडिकल कंसल्टेंट की है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की है। मेडिकल कंसल्टेंट को वैकेंसी 3 है उसमें उसमें उसको ग्रेजुएशन प्लस 20 ईयर्स एक्सपीरियंस चाहिए। और एक है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, उसको चाहिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, वो है MBBS, 20 ईयर्स एक्सपीरियंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चल, इफ़ यू सिलेक्ट आफ्टर दैन जॉब प्लेस इज योर वराली मुंबई, मतलब आप जब सिलेक्ट हो जाओगे इस पोस्ट के लिए तो आपकी जो जॉब लोकेशन है और जॉब प्लेस है वो वराली मुंबई में है। ठीक है, वराली में पोस्ट एड्रेस नेम, अगर आपको फॉर्म भरना हो तो उसका एड्रेस नेम क्या है? वो है जीवनदायी भवन राज्य कामगार बीमा रुग्णालय आवार गणपत जाधव मार्ग वराली मुंबई। ठीक है, उस वहाँ पे पिन कोड भी दिया है 4000018। ठीक है, अगर आपको ये एड्रेस में आपका रिज्यूम नहीं भेजना हो तो आप ईमेल आईडी में भी भेज सकते हैं, लेकिन आपको फॉर्म भी भरना है। ठीक है, आपका रिज्यूम पहुंचाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको फॉर्म भर के रिज्यूम लगाना हो तो लगाइए, नहीं लगाना हो तो भी चलेगा। लेकिन आपको अगर फॉर्म भरने में दिक्कत जा रही है तो इस ईमेल आईडी पे आपका रिज्यूम भेज सकते हैं। ईमेल आईडी यहाँ पे लिखी है, srmanager1@jeevandayagovernment.in। ठीक है, इसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है, मैंने बोला था वहाँ पे कि ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों मोड आप भर सकते हो। ठीक है, तो वहाँ पे जो ऑफिशियल मोड है, ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे भी जाके आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हो। उसके लिए कोई भी चार्ज नहीं लेंगा। ठीक है, कोई भी चार्ज नहीं है। और लास्ट डेट जो है इसके अप्लाई करने की, वो 17/9/2021। ठीक है, इन द मॉर्निंग, मतलब 17/9/2021 में 6 बजे ये फॉर्म क्लोज हो जाएंगे, सुबह 6 बजे में। ठीक है, सुबह मॉर्निंग लिखा है मैंने वहाँ पे, सुबह 6 बजे में फॉर्म बस डायरेक्ट बंद हो जाएंगे। और 17 तारीख को तो मैं बोलता हूँ कि होगा ही नहीं, क्योंकि साइट बहुत बिजी रहते हैं। तो आप एक काम करना है कि 15 से पहले फॉर्म भर लेना है, आज की 9 है तो जल्द से जल्द भरिए, टाइम बहुत कम है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। चलो, गुड बाय।